नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हरिमन मीना। और हमारी राजस्थान की झीलें पूरी हो चुकी थी, हम उन पर क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो आज चलते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और हम ये आशा करते हैं आपसे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछे जाएंगे उनका सबका आपको सही जवाब देने की कोशिश करनी है। जितना हो सके जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और वो जवाब देना है जो क्वेश्चन हमसे चाहता है, वह जवाब नहीं देना जो हमें आता है। आराम से उसको पढ़ना है। जो सरल क्वेश्चन होता है दोस्तों देखने में, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है और वो कठिन बन जाता है। जब हम एग्जाम में उसी क्वेश्चन को देखते हैं तो हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारी आईटी टीम से दरखास्त है क्वेश्चन दिखाया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सभी लोग इसका जवाब देंगे जितनी जल्दी हो सके। कोलायत झील स्थित है, सभी जवाब देंगे जितनी जल्दी हो सके दोस्तों, आराम से। ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन एक भी एक आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी और राजस्थान पुलिस में ये जवाब पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछे गए। तो कोलायत झील किस जिले में है, ध्यान दोगे दोस्तों? तो कोलायत हमने पढ़ा था, सबके सही जवाब आने चाहिए, सबके सही जवाब आने चाहिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग सबको। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, कोलायत झील हमने जब पश्चिम का मरुस्थल पढ़ा था तो यह स्थिति है जैसलमेर की, जैसलमेर के बाद यहां पर देखोगे दोस्तों, इस प्रकार रिमाइंड करोगे, माइंड में लाओगे सारी चीजों को। ये बीकानेर की स्थिति है, यहां जैसलमेर की स्थिति है, यहां ये बाड़मेर की स्थिति है। यहां पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट झील देखी थी दोस्तों, तो यहां पर आपके बीकानेर में, कहां पर? बीकानेर में यहां पर एक झील हमने बताई थी जो NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उसके पास स्थित है। इस झील में कोलायत झील याद करोगे दोस्तों, तो कपिल मुनि से भी यहां संबंध, कपिल मुनि का आश्रम किसका दोस्तों? कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर था जिसमें कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है, उसी कोलायत। सारी चीजें रिमाइंड करते चलोगे क्योंकि ये एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी है, ध्यान रखना। तो रिविजन भी इस प्रकार होता है आपका क्वेश्चन आंसरों से। तो कोलायत झील कहां होगी दोस्तों? कोलायत झील होगी आपके बीकानेर। इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों डी, इसमें आपका आंसर होगा डी। आईटी टीम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। अच्छा, गेव सागर को देखोगे दोस्तों, गेव सागर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया ये चीजें। ये झीलों के जो नाम है, जिले जो है दोस्तों, अभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें याद है लेकिन बाद में ये याद नहीं रहते। तो यहां पर देखोगे गेव सागर बूंदी में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में हमने किसी झील का नाम नहीं सुना, बूंदी का लिखा नहीं, बूंदी में झीले हैं लेकिन गेव सागर वहां पर नहीं है। जैसलमेर में भी झीले हैं लेकिन गेव सागर जो है वहां पर नहीं है। काबोद झील का नाम सुना था, भुज झील का नाम सुना था, ये जैसलमेर में है। यहाँ एक डाउट होता है किसके ऊपर, डूंगरपुर पे दोस्तों। तो यहां देखोगे गेव सागर जो है, इस प्रकार लिखोगे आपके जो ये दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं, इस प्रकार ये स्थिति बनती है किसकी, बांसवाड़ा की। इस प्रकार ये स्थिति बनती है बांसवाड़ा की। एक एक प्रश्न के लिए जदोहद करनी है हमें, मैप पर जाना है अपने दिमाग पर। और यहां पर ये स्थिति आती है दोस्तों किसकी, डूंगरपुर की। ये स्थिति है डूंगरपुर का, इधर कौन सा हो जाएगा, इधर उदयपुर हो जाएगा, जिससे तो झीलों की नगरी कहते ही है। और यहां पर है प्रतापगढ़, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, प्रतापगढ़ उदयपुर इसमें आपके ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर देखोगे दोस्तों, तो ये जिला है कौन सा, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में एक झील है दोस्तों, कौन सी झील, गैब सागर। तो आपकी गैब सागर झील कहां पर है दोस्तों, डूंगरपुर। गैब सागर कहां पर है दोस्तों, ये डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, डूंगरपुर है किस में, ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आईटी टीम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए। तो दो आंसर आपके हो चुके हैं दोस्तों। गड़सीसर सरोवर के लिए पूछा गया है दोस्तों उसमें। तो सबको गुड मॉर्निंग है दोस्तों, सब सही जवाब, आपके जवाब का इंतजार है, सब सही जवाब देने की कोशिश करें, आराम से दें, जल्दबाजी कोई नहीं है। गलत जवाब देने से ज्यादा अच्छा है कि आप सवाल में, आप क्वेश्चन को समझें, उसमें समय ले लें लेकिन उसका सही जवाब देने की कोशिश करें। तो यहां पर देखोगे दोस्तों, गड़सीसर झील आपको पूछी जा रही है दोस्तों। तो गड़सीसर झील देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट झील है आपकी, काबोद है, भुज झील है और गड़सीसर। यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो गड़सीसर झील जो है वो आपकी जैसलमेर में, कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर में। यहां पर देखोगे तो ये आपका जैसलमेर, इस प्रकार आप बना लेना इसको। यहां अभी हमने कोलायत को देखा था,
ठीक है, तो सारी झीलें इस प्रकार मैप बन जाएगा आपका। अब यहां पर देखेंगे, अब वो झील पूछ रहा है आपसे कौन सी दोस्तों, गढ़सी सर। हमने जब ये टॉपिक खत्म किया था तब आपसे कहा था कुछ झीलें हैं जिनके हमें जिले ही याद करने, तो वो आपसे क्वेश्चन आंसर में आपको पूर्ति करवा देंगे उनकी, तो वही स्थिति है। गढ़सी सर अब पूछ रहा है, तो गढ़सी सर झील कहां पर दोस्तों, ये जिला है कौन सा आपका, जैसलमेर। कौन सा दोस्तों, जैसलमेर, यही लिख देंगे। ये जिला है कौन सा दोस्तों, जैसलमेर। तो जैसलमेर में ही है कौन सी झील पूछ रहा है वो, गढ़सी सर। ठीक है, इस जैसलमेर में ही देख लेते हैं दोस्तों, तो एक आपकी काबोद आएगी जो खारे पानी की झील है। कैसे पानी की, जो दोस्तों खारे पानी की झील है, ये आ गई आपकी काबोद। तो आपको सारी यहां जैसलमेर की जितनी भी झील है वो सब यहां पर आ जाएंगी, काबोद। इस प्रकार जरूर लिखें इनको, काबोद के बाद एक देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर एक झील और है, बुज झील। कौन सी दोस्तों, बुज झील। ये बुज झील भी कहां पर है दोस्तों, बुज झील भी आपके जैसलमेर में, बुज झील। इस प्रकार आराम से देखेंगे दोस्तों, हमारा जवाब जो है, आंसर जो है, सही होना चाहिए, चाहे उसमें थोड़ा बहुत वक्त लग जाए लेकिन सही जवाब दिया करो दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जैसलमेर में जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी झीलें हैं वो क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। यहां पर देखोगे वैसे पोखरण है, पोखरण रन है, लेकिन ठीक है, पोखरण तो आपको याद रहेगा ही, आप चाहो तो पोखरण को भी आप यहां पर लिख सकते हो दोस्तों, तो ये हो जाएगा पोखरण, लेकिन पोखरण क्या है, रन है, खारे पानी के क्षेत्र ही रन होते हैं अस्थाई, पोखरण, पोखरण, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये रन, रन क्षेत्र है। ठीक है, तो जैसलमेर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, और जैसलमेर में जितने भी खारे पानी की काबोद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है और आपसे भी पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान देंगे काबोद पर, गढ़सी सर, बुज झील और पोखरण, ये कहां पर है दोस्तों, ये सब जैसलमेर में है। तो इसमें आपका जवाब होगा गढ़सी सर, बी आंसर होगा इसमें सबका। बहुत बढ़िया दोस्तों, गढ़सी सर में बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, सिलीसेड झील डैश 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 स्थित है, तो सिलीसेड झील को देखेंगे दोस्तों। सिलीसेड झील तो हमने पढ़ी थी जब हमने, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, तो हमने सिलीसेड झीलें पढ़ी थी दोस्तों, और उसमें हमने ये देखा था, यहां पर देखोगे ये जिला है आपका कौन सा, अलवर। ये जिला है दोस्तों कौन सा, अलवर। और अलवर में यहां से, अलवर में यहां से ये एनएच आपके अलवर, कहां, दिल्ली से जयपुर ये एनएच आता है कौन सा, NH8, जो वर्तमान में NH48 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आता है इसी के तट पर, इसी के पास में स्थित है दोस्तों। कौन सी झील, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील इसी के पास में है, यहां पर ये झील है दोस्तों। कौन सी, सिलीसेड झील। ठीक है, इससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो सिलीसेड झील कहां पर, इसको आप लिख लेंगे, चाहो तो आप लिख सकते हो दोस्तों, ये झील कौन सी होगी, सिलीसेड, सिलीसेड झील। और कहां पर है दोस्तों, ये जिला कौन सा है आपका, अलवर, ये नीचे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा कौन सा, ए। सबका बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है दोस्तों, इसी प्रकार सबके सही जवाब आने चाहिए। जब आपके सबके सही जवाब आने लग जाएंगे कंटिन्यू, तो हम अगला टॉपिक चेंज कर देंगे, ध्यान रखना। और ये सारे क्वेश्चन कोई सरल नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आरपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में इनको पूछा गया है, और इसी प्रकार से वहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो खारे और मीठे पानी, फिर वो जिले पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पिचोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पिचोला झील, पिचोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। तो हमने लास्ट में जो पिचोला झील पढ़ी थी दोस्तों, तो वहां भी हमने देखा था जो पिचोला झील है वो कहां पर है। सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए पिचोला झील है कहां पर, तो यहां पर देखोगे ये पिचोला झील जो थी दोस्तों, ये यहां पर, ये जिला बनता है आपका कौन सा दोस्तों, उदयपुर। ये जिला बनता है आपका कौन सा, उदयपुर। और उदयपुर में यहां डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर है, तो उदयपुर में यहां पर हमने एक झील देखी थी दोस्तों, ये झील थी कौन सी, पिचोला झील। कौन सी, पिचोला झील। और इस पिचोला झील को स्वरूप सागर के माध्यम से, ये जो लिंक है, ये स्वरूप सागर
स्वरूप सागर के माध्यम से किससे जोड़ा गया दोस्तों, फतेह सागर झील से, किससे जोड़ा गया है, फतेह सागर झील से जोड़ा गया। तो उदयपुर आपको दिखाई दे रहा है, और उदयपुर में दोस्तों ये इधर वाली झील है, ये तो हो जाएगी आपकी कौन सी, पिछोला, ये तो हो जाएगी आपकी पिछोला झील, और ये झील कौन सी हो जाएगी आपकी, फतेह सागर, फतेह सागर। तो इस प्रकार आप देखोगे दोस्तों फतेह सागर और पिछोला, ये भी हमारा क्लियर हो गया कि कहां पर है फतेह सागर और पिछोला, ये भी हमारा क्लियर होगा कहां पर है दोस्तों, उदयपुर में है। और इसी के साथ हमने ये भी देख लिया कि पिछोला झील जो है वो किसके साथ, फतेह सागर झील के साथ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अभी, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी झीलें जितनी भी नाम आए आपके क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में इस प्रकार संरचनाएं होनी चाहिए ताकि आपके जिले भी क्लियर होते चले, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चले, क्योंकि इनसे संबंधित आगे जितना भी पढ़ेंगे इनसे संबंधित चीजें पढ़ेंगे हम। बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, तो इसका जवाब देंगे आप, आपके जवाब का इंतजार है, और कोशिश करें कि सभी सही जवाब दें। सबको गुड मॉर्निंग, सबका वेलकम है एम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आना सागर झील है कहां पर, आना सागर झील है कहां पर। तो आना सागर झील दोस्तों ये जिला आप देख रहे होंगे त्रिभुजाकार, हमने सारे जिले पढ़े हैं, उनकी आकृतियां भी पढ़ी है, त्रिभुजाकार आकृति बनाता है ये जिला है आपका कौन सा दोस्तों, ये जिला है आपका अजमेर जिला। अजमेर जिले में आप देखोगे तो एक झील पड़ी थी हमने, कौन सी, पुष्कर झील, कौन सी दोस्तों, पुष्कर झील। इसी में है आपकी आना सागर, कौन सी दोस्तों, आना सागर झील। इसी में आपकी फाय सागर झील, कौन सी दोस्तों, फाय सागर। तो सबसे पहले आपके जिले क्लियर होने चाहिए दोस्तों, ये जिला है कौन सा आपका, अजमेर, और अजमेर में जो ये झीलें दिखाई दे रही है दोस्तों ये तो पुष्कर है, कौन सी है, पुष्कर। सभी सही जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दें, तब तक मैं बताता हूं ये झीलें कहां पर हैं, कौन कौन सी हैं। ये है आपकी आना सागर, ये है आपकी फाय सागर, तो इस प्रकार देखोगे इसमें पूछा गया आना सागर का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वीराज चौहान नहीं थे दोस्तों, इनके पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे कौन, अर्णोराज। तो अर्णोराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, किसका, आना सागर झील का। यहां पूछा है आपसे निर्माण किसका दोस्तों, आना सागर, तो आना सागर झील का निर्माण जो है दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया, अर्णोराज, अर्णोराज। तो आपका आंसर जो है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा अर्णोराज, कौन सा, बी। बहुत बढ़िया, सबके बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे दोस्तों आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांवर झील का अधिकांश भाग किस जिले में आता है। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब सांवर झील पढ़ाई थी, आपकी सांवर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, इसके बारे में बहुत विस्तार से हमने पढ़ा था दोस्तों। तो सांवर झील का अधिकांश भाग किस जिले में आता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, अपने दिमाग में स्मृति बनाएंगे, और सांवर झील है कहां पर दोस्तों। इस प्रकार ये जो आकृति है ये बनती है आपके किस जिले की, ये बनती है आपके जयपुर की, और यहां पर देखोगे इस प्रकार ये जो आकृति बनती है दोस्तों ये बनती है आपके किस जिले की, ये बनती है नागौर की, और यहां पर देखोगे दोस्तों इस प्रकार ये आकृति बनती है किसकी, अजमेर की। तो आपकी सांवर झील जो है, आपकी सांवर झील जो है दोस्तों वो इस भाग में आती है, कहां पर आती है, इस भाग में आती है। तो तब हमने जब हमने पढ़ी थी इसको तो हमने सांवर झील को बताया था दोस्तों कि सांवर झील का भाग तीनों जिलों में आता है, ये तो है कौन सा, नागौर, ये है दोस्तों आपका जयपुर, और ये है कौन सा, अजमेर। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सांवर झील का जो क्षेत्रफल है किसका दोस्तों, सांवर का, सांवर का जो क्षेत्रफल है तीनों में आता है दोस्तों, लेकिन इसके रखरखाव की जिम्मेदारी, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी या इस पर जो अधिकार है दोस्तों, सांवर पर क्या अधिकार, अधिकार किस
किस जिले का है दोस्तों? जयपुर जिले का। किसका है? जयपुर जिले का। अत्यसांवर झील, सांवर झील का अधिकांश भाग किस में आता है दोस्तों? जयपुर। इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, सबके सबके बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मेहनत करोगे दोस्तों तो सफलता से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखो कि हमें जो तैयारी करनी है वो निरंतर करनी है, हमें कुछ नियम बनाने हैं अपने। बस यदि निरंतर पढ़ाई करते हुए आपने 6-7 महीने अगर इस नियम को फॉलो किया तो आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साहब, और हमने इसको भी विस्तार से देखा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, सारे जवाब देंगे इसका, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जवाब सही आएगा, क्योंकि ये चीज, ये सारे जितने भी क्वेश्चन यहां पूछे गए सब आपको यहां बताए गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहां नहीं बताया गया हो आपको जब हमारी क्लास हुई थी। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया सबका, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसमें पूछ रहा है वो कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि वो आर्द्र भूमि होती है दोस्तों जहां जीवों को संरक्षण दिया जाता है। तो राजस्थान में वर्तमान में दो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जो पहला था वो केवला देव अभ्यारण है जहां पर साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन को क्या दिया जाता है दोस्तों? संरक्षण दिया जाता है। राजस्थान की दूसरी आर्द्र भूमि जो है दोस्तों वो रामसर, रामसर साइट जो है वो कौन सी है? सांवर झील में। कहां पर दोस्तों? सांवर झील में। तो इसमें यही पूछा गया है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सांवर। ठीक है, क्योंकि 1983 को आपकी केवला देव जो पहला रामसर साइट था कहां का? राजस्थान का। दूसरा रामसर साइट 1990 में किसको? आपकी सांवर झील को बनाया गया। अभी एक आपका जो चंबल अभ्यारण है उसके लिए भी आपके रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है। तो एक तीसरा रामसर साइट भी आपके राजस्थान में हो सकता है। तो अभी तो दो ही है, और उसमें दूसरा कौन सा है? सांवर। और सांवर क्या है? आपकी झील है। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों तो रामसर साइट भूमि में इसमें आपका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी। इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा कौन सा? सी। बहुत बढ़िया सबका, बहुत बढ़िया। लेकिन इसको विस्तार से याद रखेंगे आप, रामसर साइट भूमि आती है बाद में भी, हम जब वन्य जीव अभ्यारण पढ़ेंगे तो वहां भी इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, रामसर भूमि कब है, कब रामसर दिवस मनाया जाता है, क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। देखोगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो भारत के कुल नमक उत्पादन, भारत के कुल नमक उत्पादन का ये कै एक्स्ट्रा लग गया है तो काक नहीं है, ये काई है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांवर झील में कितना उत्पादन होता है? कल भी जब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था दोस्तों तो उसमें भी हमने इसका उल्लेख किया था, सांवर झील का वहां भी उल्लेख हुआ था। और यहां देखा जाए दोस्तों यहां बात हो रही किसकी? नमक उत्पादन की। नमक उत्पादन, तो पहली बात तो यह है कि भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन करता है? गुजरात। कौन करता है दोस्तों? सर्वाधिक नमक उत्पादन करता है कौन सा? गुजरात। दूसरे नंबर पर नमक उत्पादन करता है कौन दोस्तों? आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन झीलों से नमक उत्पादन किससे दोस्तों? झीलों से नमक उत्पादन, झीलों से नमक उत्पादन करने में दोस्तों पहला स्थान, झीलों से नमक उत्पादन करने में पहला स्थान है किसका दोस्तों? आपके राजस्थान का। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक नमक, झीलों से सर्वाधिक नमक पैदा किया जाता है, कहां पर? यहां पर। और राजस्थान में भी यदि देखा जाए तो फर्स्ट स्थान आता है किसका दोस्तों? सांवर का। सांवर झील ऐसी है जो पूरे भारत का, मैंने कहा पूरे भारत का, किसका दोस्तों? सांवर झील जो है वो भारत का, भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। कितना दोस्तों? 8.7। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि इसमें आपसे राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का, यदि राजस्थान राजस्थान की बात करें
तो अकेली सांवर झील राजस्थान का 80% नमक, कितना दोस्तों 80% नमक उत्पादन करती है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा यहां नमक उत्पादन करने का कार्य किया जाता है जो कि केंद्र सरकार का संयंत्र है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गुजरात पहले नंबर पर झीलों से नमक उत्पादन करने में, राजस्थान फर्स्ट पर है। और राजस्थान में भी कौन सी सांवर झील है, भारत का 8.7% और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करती है। इस प्रकार इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सब लोगों के, धन्यवाद, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। बहुत ये अलग टाइप का क्वेश्चन एक आपके सामने है, सोच समझ के जवाब देंगे इसका दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। आप मैंने कहा इस टॉपिक से आपको 200-250 क्वेश्चन खुद को बनाने, इनसे बाहर तो वो इस प्रकार के बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें जो युग्म, युग्म का मतलब जो जोड़े हैं, ये जोड़े किस आधार पर बनाए गए हैं। तो पहला देखें काबोध झील जैसलमेर, तो अभी आपको ध्यान होगा तो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यही जैसलमेर बनाया था, तो उसमें जैसलमेर को देखा था, तो उसमें काबोध देखी थी, भुज झील देखी थी, पोकरण हमने देखा था, ठीक है। ये झीलें अभी देख कर आए हम, गड्डी सीसर झील हमने वहां देखी थी, तो वही काबोध झील। तो काबोध झील कहां पर, जैसलमेर में। इसका मतलब यहां जो युग्म बना है वो किसका, झील का, और वो झील जिस जिले में है उस जिले का नाम दिया गया। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है दोस्तों। तो यहां पर ये पहला सही है, दूसरा सिलिसेड अलवर ये भी सही है, क्योंकि सिलिसेड अलवर अभी हम पढ़कर आए हैं। अनूप सागर जोधपुर, ये थोड़ा डाउट है तो इस पर रुकते हैं दोस्तों, लेकिन अगला चलते हैं गेव सागर डूंगरपुर। तो आपको इनमें से अब 50% दो ऊपर के सही हो गए। अभी अभी यदि दो आपके सामने, तो इसमें आप देखोगे दोस्तों कि गेव सागर डूंगरपुर, तो इसका नाम तो आपने सुना होगा गेव सागर, अभी हम डूंगरपुर में भी देखकर आए थे दोस्तों। तो गेव सागर डूंगरपुर ये भी सही है। अनूप सागर जोधपुर, इसमें आपका है अनूप सागर, सबके बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें देखोगे दोस्तों, इसमें ये जो अनूप सागर है, तो हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने अनूप सागर लिखा था दोस्तों, कहां पर है, बीकानेर। अनूप सागर कहां पर है, बीकानेर, इसका मतलब। और आपके प्रश्न में लिखा गया जोधपुर, तो इसका मतलब कौन सा युग्म असंगत होगा, सी, इसमें आंसर होगा सी। अनूप सागर बीकानेर में है, उसमें कहां पर नहीं है, जोधपुर में नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा, सी। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। यह है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी जवाब देंगे, आपके जवाब का इंतजार है हमें। इसमें देखेंगे दोस्तों, तो राजस्थान की खारे पानी की झीलें महासागर, किस महासागर का अवशेष है। इसमें थोड़ा बीच में छूट गया दोस्तों, लेकिन राजस्थान की खारे पानी की झीलें महासागर का अवशेष है, किस महासागर का अवशेष है। तो यहां आप देखोगे दोस्तों कि राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें हैं वो किस महासागर का अवशेष है, सभी जवाब देंगे जितनी जल्दी हो सके। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। तो यहां पर देखोगे दोस्तों, ये जो स्थिति बनती है आपके भारत की, सबसे पहले तो मैप बनाना आना चाहिए आपको, ध्यान रखना। ये जो स्थिति बनती है हमारे भारत की बनती है, ये तो हमें पता है कि जो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये कौन सा है दोस्तों, हिंद महासागर, कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है, कौन सा दोस्तों, हिंद महासागर। लेकिन इसके ऊपर साहब जो आपका राजस्थान है वो तो तटीय रेखा बनाता नहीं है, राजस्थान तो कहां पर है, यहां पर है, किसी सागर से जुड़ता नहीं है। यहां हिंद महासागर का ये जो भाग है, ये दोस्तों ये कौन सा है, अरब सागर, कौन सा, अरब सागर। ये जो भाग है बंगाल की खाड़ी, ये बात सही है कि हमारा जो राजस्थान है वो अरब सागर के पास में है, लेकिन अरब सागर से तट नहीं बनाता, तो अरब सागर का भी कोई रोल नहीं होगा। हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है, बंगाल खाड़ी और इसकी भाग है, लेकिन इससे भी हमने कहा पास में अरब सागर है, इससे भी तट नहीं बनाता, तो इससे कहां बनाएगा, तो आपका हिंद महासागर भी नहीं होगा। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर तो भारत के आसपास ही नहीं है, सबसे बड़ा जो महासागर दोस्तों वो प्रशांत महासागर ही है। उसके प्रशांत महासागर के यदि पूर्व में देखा जाए तो ऊपर उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका है, और इधर देखा जाए तो एशिया है, नीचे कौन सा है आपके, जो अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया, ये है, ठीक है। तो आपका प्रशांत महासागर तो कैसे भी टच नहीं करता। तो 33 सागर, यहां पर देखेंगे दोस्तों 33 सागर, तो 33 सागर का
आप देखोगे दोस्तों कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी थी उस पर एक ही महाद्वीप थे, ये आपके सातों महाद्वीप एक ही स्थान पर थे, और उस वक्त इन महाद्वीपों को क्या कहा जाता था, पैंजिया महाद्वीप, और इसके चारों ओर जो सागर था दोस्तों उस सागर को कहा जाता था टैथिस सागर। इसके चारों ओर जो ये सागर है दोस्तों इसको टैथिस सागर। इस पैंजिया महाद्वीप के दो टोक हुए दोस्तों और इनके बीच में क्या भर गया, पानी भर गया, और यहां इस पानी का नाम मिला टैथिस सागर। फिर कालांतर में इसके धीरे धीरे और टुकड़े हुए और टुकड़े हुए ही अनेक खंडों में बट गया, तो हमारा भारत भी यहाँ गोंडवाना लैंड और अंगालैंड, तो गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड के यहाँ जो टैथिस सागर है, तो हमारे पश्चिम का जो मरुस्थल है उसका निर्माण टैथिस सागर से ही माना जाता है दोस्तों, इसलिए वहां खारे पानी की झीलें मिलती है। तो इसमें आपका आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया, सबके बहुत अच्छे आंसर आए दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों सी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बहुत बढ़िया, इसका बताओगे दोस्तों आप, उदयपुर स्थित पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पिछोला झील हम विस्तार से पढ़कर आए हैं, वहां पर हमने दो महल भी देखे थे, ठीक है, तो इसमें महाराणा कुंभा, तो कुंभा का कोई लेना देना नहीं था, महाराणा मुकल, मुकल का भी कोई लेना देना नहीं था, महाराणा उदय सिंह, महाराणा लाखा, तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों, इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों महाराणा लाखा, कौन सा होगा, डी, महाराणा लाखा, ये बोई महाराणा लाखा है दोस्तों, जिनके समय उदयपुर में जावर चांदी की खान प्राप्त हुई थी, बहुत ही किस्मत के धनी थे, रिश्ता इनके पुत्र चूड़ा के लिए आया था, लेकिन ये इन्होंने रिश्ता खुद के ऊपर ले लिया, और 62 इयर्स ओल्ड साल में इन्होंने दोबारा विवाह किया, किसने, महाराणा लाखा ने, ठीक है, मारवाड़ की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार देखेंगे उन्हीं महाराणा लाखा के काल में साहब यहां एक झील का निर्माण हुआ, कौन सी, पिछोला झील का निर्माण, तो याद रखेंगे पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, तो महाराणा लाखा के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुज झील कहां स्थित है? दोस्तों अभी हमने धौलपुर की झीलें देखी थी, यहां पर सॉरी जैसलमेर की झीलें देखी थी, तो जैसलमेर में हमने काबोध देखी थी, काबोध के बाद गढ़सीसर देखी थी, पोखरण देखी थी, और वहीं हमने बुज झील का भी, तो बुज झील का उदाहरण आपके सामने आ गया है दोस्तों, तो बुज झील कहां स्थित है, तो देखेंगे बुज झील आपका है जैसलमेर, और इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों, कौन सा आंसर होगा, सी, बुज झील कहां पर है, जैसलमेर, और जैसलमेर में भी एक नदी है काकनी नदी, जिसको काकने मसूरदी नदी कहा जाता है, उसमें उससे इसका निर्माण होता है, किसका, बुज झील का, तो इसमें आंसर होगा आपका सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ा है उसी से हम जवाब दे सकते हैं, यदि क्लियर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो हमारे जानकार होते हैं, तो उनके द्वारा भी हम जवाब दे सकते हैं, ध्यान रखना। तो निम्न में से यदि देखें बीकानेर से किसका संबंध नहीं है, तो कोलायत को तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, हमने कोलायत को पढ़ा बीकानेर में अभी थोड़ी देर पहले ही, कोलायत, यहां पर गजनेर भी है, गजनेर, कोलायत है, गजनेर है, लूणकरण सर, कौन सी दोस्तों, लूणकरण सर, लेकिन इनमें से तो ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी मिल, बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन हमने जब टॉपिक किया था दोस्तों तो वहां पर अनूप सागर का तो थोड़ी देर पहले यही जिक्र हुआ है, क्वेश्चन आया था, तो सुमिलित नहीं था, अनूप सागर को जोधपुर में दिखा रहे थे, तो वो सुमिलित नहीं था, युग्म सुमिलित नहीं था, तो अनूप सागर क्लियर हो गया आपका, तो अनूप सागर कहां पर है। इस प्रकार रिविजन होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर करने से, क्योंकि अनूप सागर थोड़ी देर पहले ही देख कर आए हम, सूर सागर और गेब सागर भी हम थोड़ी देर पहले देख कर आए दोस्तों, तो गेब सागर भी यहां नहीं होगा, तो सॉरी गेब सागर कहां नहीं होगा, गेब सागर तो अभी हम दूसरे जिले में देख के आए, तो सूर सागर इसका मतलब यही है, क्योंकि गेब सागर यहां का है नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सी, सॉरी डी, बीकानेर से किसका संबंध नहीं है, तो बीकानेर से किसका दोस्तों डी का संबंध नहीं है, ये गेव सागर का संबंध नहीं है, गेव सागर का किससे संबंध नहीं है दोस्तों, बीकानेर से संबंध नहीं है, किसका, गेव सागर झील का संबंध नहीं है, गेव सागर अभी हम पढ़कर आए दोस्तों कहां पर, डूंगरपुर में, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था गेव सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा,
अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। दोस्तों इसको भी हमने देखा था, राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो थी नक्की झील, वैसे तो ये क्रेटर का उदाहरण, और हमने बताया था क्रेटर क्या होता है, जब ज्वालामुखी का यहां उद्गम होता है तो ज्वालामुखी की आकृति कैसे लावा निकलता है, तो वो इस प्रकार लावा इधर पहाड़ बना लेता है इधर, और बीच में ये कूपनिमा संरचना बन जाती है, ये कूपनिमा संरचना बन जाती है, इसी को कहते हैं क्रेटर। तो वैसे तो इससे निर्माण माना जाता है किसका, आपकी सरोई नक्की झील का, लेकिन ऐसी कथाओं में ऐसा मिलता है कि नक्की झील का जो निर्माण था वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सबका बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग, सबको गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, पहले आराम से आप क्वेश्चन को देखें और फिर रिमाइंड करें अपने दिमाग में, चाहे वो बहुत सीधा है उसका बहुत जल्दी जवाब आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें जल्दी में जवाब नहीं देना है उसका, उस पर सोचना है थोड़ी देर। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग तथा शाहजहां ने बारह दरी का निर्माण करवाया। दोस्तों अभी हम अजमेर में झील देख कर आए थे, कौन सी, आना सागर, फाय सागर और पुष्कर। तो अजमेर में यह आपका दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान, ये आपके नोट्सों में यहां बताए गए थे, ध्यान रखना, आप पिछली वीडियो देखोगे दोस्तों तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, और ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, ध्यान रखना, इससे ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत सरल है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत निम्न स्तर के क्वेश्चन है, तो निम्न स्तर के क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये टॉपिक ही पूरा सरल है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको गलत, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और हमारे कंपटीशन की यही शर्त होती है कि जो गलत आंसर है उसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए आपसे, जो सरल है उसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, जो आपसे नहीं आ रहा है यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की और नहीं आ रहा है, वो किसी से भी नहीं आ रहा है, लेकिन सरल वाले का गलत नहीं होना चाहिए। तो इनका आपसे किसी भी प्रकार एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। तो किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर दौलत, ये तो क्लियर हो गया कि वो अजमेर में है, और अजमेर में दोस्तों ये है आना सागर, कौन सी झील के किनारे आना सागर के किनारे, तो यहां पर आपका आंसर होगा दोस्तों कौन सा, इसका आंसर होगा ए में है आपके आना सागर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार आप रिवीजन किया करो सबको बना बना के, इससे आपका और का भी रिवीजन होता है सारी चीजों का। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों, तो राजस्थान में सभी जवाब देंगे जितनी जल्दी हो सके, जल्दी जवाब देंगे सभी, बहुत बढ़िया, सबका लगभग सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें जो है वो नागौर जिले में है, किस जिले में दोस्तों, नागौर जिले में, सबसे खारी भी वहीं पाई जाती है, जैसे हमने डिडवाना देखा था, वहां पर हमने डिडवाना के बाद वहां पर डेगाना देखा था, ये भी झील कुचामन झील देखी थी, ये झीलें कहां पर थी, नागौर में, तो नागौर में आपके सर्वाधिक झीलें, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा झील किस जिले में, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपके अधिकतर इन झीलों के जो जिनका नाम कम सुना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी उनको हमने विस्तार से पढ़ा, हमने पुष्कर को विस्तार से देखा, जैसमंद को, पिचोला को, राजसमंद को, नक्की को, इनको विस्तार से, आना सागर को विस्तार से देखा, लेकिन ये वो झील है जिनका आपसे जिला ही पूछेगा मात्र, जिनका नाम है, कहीं अस्तित्व नहीं है इनका, नवलखा झील और ये, ठीक है। तो नवलखा झील देखोगे दोस्तों तो आप इसको इतना ही ध्यान रखोगे, नवलखा झील जो हम देखेंगे तो ये है आपका, यहां पर देखोगे रावतबाटा, और रावतबाटा के ऊपर यहां है बूंदी, तो ये नवलखा झील जो है दोस्तों वो किसमें है, बूंदी में, सबका बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर है आपका सबका, शाबाश। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, बूंदी, बी, नवलखा झील कहां पर है, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवर झील के निर्माता कौन थे, इसको भी बताया जाए दोस्तों, सांवर झील, इस प्रकार आप सबका रिवीजन करोगे, इस प्रकार बनाया करो पेन कॉपी, इससे आपके पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आएगा। यहां पर देखोगे दोस्तों, सांवर झील अभी भी देखी थी हमने थोड़ी देर पहले, तो सांवर झील जो है वो कहां पर है, तीन जिलों में इसका क्षेत्र आता है सांवर झील का, जयपुर, नागौर और आपके अजमेर। तो ये सांवर झील जो है वैसे तो आती है, अगर तीनों ही अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो पैसे आती है किसमें दोस्तों, जयपुर में,
और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी कहां पर है इसका, जयपुर में ही। तो सांवर झील का निर्माता पैसे तो ये हमने जब देखा था दोस्तों तो ये कॉलडेरा, कॉलडेरा झील है। कॉलडेरा होता क्या है वही अभी हमने देखा था बूंद उसका, नक्की झील का ये इस प्रकार क्रेटर का निर्माण होता है। उपनिमा क्या बन जाती है, इस प्रकार झील बन जाती है क्योंकि लावा जब निकलता है तो यहां पर लावा जम जाता है और बीच में ये कूपनिमा ऐसे गिलास जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, तो क्रेटर, जब क्रेटर बहुत पुराना हो जाता है तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, ऊपर से इस प्रकार चौड़ी हो जाती है दोस्तों और ये कचरा यहां पर जम जाता है, तो इसी को कहते हैं कॉलडेरा। तो भारत की दूसरी कॉलडेरा झील भी पड़ी थी हमने लोनार कहां, महाराष्ट्र में। तो सांवर जो है वैसे तो कैसी है दोस्तों, कॉलडेरा, लेकिन हमारे यहां यहां देखा जाए दोस्तों तो यहां एक शिलालेख की जानकारी के अनुसार, शिलालेख की जानकारी अनुसार यह भी मिलता है कि सांवर झील का जो निर्माण है दोस्तों वो वासुदेव चौहान ने किया था। किसने किया था, वासुदेव चौहान ने। तो इसका आपका जो बिजोलिया शिलालेख है उस पर यह उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, कौन होगा, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसंबंध झील का अन्य नाम कौन सा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यह आना चाहिए, जयसंबंध झील का अन्य नाम कौन सा है। तो मांड, कोठी, डूंड, ये तो स्थानीय नाम है, कोठी धौलपुर को कहते हैं, यहां पर देखोगे दोस्तों ढेवर, कौन सा, ढेवर। तो जयसंबंध पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जब हमने किया था इसको दोस्तों, महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, किस नदी को रोककर करवाया था, सारी चीजें हमने विस्तार से देखी थी। तो यहां पर जयसंबंध झील का अन्य नाम कौन सा होगा दोस्तों, ढेवर झील, कौन सा होगा, ढेवर, और ढेवर ऑप्शन में है आपके किस में दोस्तों, आपके सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी से, किस नदी पर हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो घूम घूम कर आ रही है, ये क्वेश्चन जिसने आरपीएससी ने पूछे हैं, तो थोड़ी देर बाद इन सब का जब आप 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो भी जानकार आने प्रारंभ हो जाते हैं और जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चनों के आधार पर आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप देखोगे मरुस्थल, मरुस्थल मतलब पश्चिम का बात कर रहा है, तो हमने सबसे पहले यहाँ बीकानेर देखा था और कौन सा, जैसलमेर देखा था और बाड़मेर देखा था। तो बीकानेर में हमने, बीकानेर में हमने झीले देखी, जैसलमेर में हमने झीले देखी, तो जैसलमेर में हमने बुज, गडसी सर, काबोद और कौन सी, पोखरण, अब तो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। तो बुज झील वहीं से है और अभी थोड़ी देर मैंने पहले ही आपको बताया था कि किस, इसमें पूछा गया किस नदी पर, जिला नहीं पूछा थोड़ी देर पहले, तो जिला पूछा था, इस पर वो नदी पूछ रहा दोस्तों। तो नदियों को दिमाग में लाइए, कांतली नदी, कांतली नदी तो आपकी तोरावाटी क्षेत्र, कहां, खंडेला की पहाड़ी, सीकर, इस प्रकार देखोगे दोस्तों ये स्थिति बनती है झुंझुनू की और ये बनती है सीकर की, यहां सवाई, यहां जयपुर है, तो यहां खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। जब हमने नदियां पढ़ी थी तो आंतरिक प्रवाह की नदियां ध्यान दीजिए, बिल्कुल, जो झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है, यही है खंडेल, कौन सी नदी दोस्तों, कांतली नदी। तो कांतली तो कहां पर है, सीकर और झुंझुनू जिसको तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं, जबकि बुज झील, बुज झील तो कहां पर है? देखी थी हमने अभी जैसलमेर में, तो कांतली तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। घग्गर यदि देखें दोस्तों तो घग्गर तो आपकी कहां थी, घग्गर आपने ध्यान हो तो यहां पर ये है आपका कौन सा, गंगानगर, और यहां पर इस प्रकार ये होगा आपका हनुमानगढ़। तो यहां पर एक नदी आ रही थी दोस्तों, इस नदी का नाम है कौन सी, घग्गर नदी, इसका मतलब घग्गर नदी पर भी नहीं है क्योंकि जैसलमेर से घग्गर नदी का भी कोई संबंध नहीं है। लूनी नदी, लूनी नदी कहां, अजमेर से निकल रही थी, नागौर जा रही थी, नागौर के बाद कहां पर, पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर, ठीक है, इन जिलों से, तो इसमें भी जैसलमेर नहीं आता। तो काकनी नदी जो है आपकी दोस्तों, कौन सी नदी, काकनी नदी, यहां पर देखोगे सबका आपका दोस्तों इसी प्रकार रिविजन होना चाहिए। तो यहां पर देखोगे दोस्तों यहां पर एक नदी है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी, जिसको काकने या मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो इसी नदी द्वारा निर्माण होता है किसका दोस्तों, बुज झील का। तो अब तो आपकी सारी चीजें, झीलों से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो बुज झील का निर्माण होता है दोस्तों, ये जिला तो आपको पता ही है, ये बुज झील है, बुज झील, और ये नदी है कौन सी दोस्तों आपकी, काकनी, जिसको हम काकने, इसको भी हमने विस्तार से देखा था, या मसूरदी, मसूरदी नदी कहते हैं। तो इसके द्वारा काकनी, यहां पर इसमें से तीनों में से कौन सा नाम आ रहा है, काकनी, तो इसका आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया दोस्तों, यदि देखेंगे
राजसमंद झील की उत्तरी भाग को, राजसमंद झील को हम विस्तार से पढ़कर आए हैं और राजसमंद झील पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो राजस्थान झील, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, नाम किस किस नाम से विख्यात है, उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो नौ चौकी तो हमने सुना है, सात चौकी ऐसा कोई नहीं, उत्तरी चौकी ऐसा भी, चक्की ऐसा भी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा ए। तो इस प्रकार भी झीलों के किनारे जो स्थान है उनको भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार आपने यहां देखा दोस्तों, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए, सबका मोस्ट वेलकम और सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन थे जो आरपीएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आज से पहले पूछे गए थे और इन्हीं के आधार पर वो आपसे क्वेश्चन बनाएगा। यहां देखिए हमने कुछ झीलों के तो मात्र वो जिले ही पूछता है, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे गैप सागर है, नवलखा झील है, भुज झील है, ऐसी झीलें हमें याद नहीं रहती। अभी तो हम ऐसा सोच रहे हैं बहुत सरल है यार, इतना सरल पूछता है, इतना सरल नहीं है दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस पटवारी रीट इस स्तर के स्टूडेंटों के लिए बहुत कठिन क्वेश्चन है और ये याद होंगे कब होंगे, जब इसी प्रकार हम मैप बना बनाकर हर चीज को क्लियर करेंगे। हम क्वेश्चन आंसरों में चाहे हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं लेकिन गग्गर ऑप्शन में आया तो गग्गर स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में, कांतली आपके दिमाग में आया तो कांतली आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, काकनी आपके दिमाग में स्पष्ट। इस प्रकार आप आंसर निकालोगे तो लगभग 98% आप सारी चीजों को अपने आप क्लियर कर लोगे दोस्तों। तो आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं, मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसी उम्मीद करता हूं और ये आग्रह करता हूं आप लोगों से कि आपके जितने भी सगे संबंधी साथी जो दोस्त हैं दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और वो शहर जाकर कोचिंग नहीं कर पाते और वो आगे की या कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको आप उनकी सहायता करें, उनको बताएं कि एमएसटीडी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस चलती हैं, इवनिंग में भी चलती हैं और मॉर्निंग में भी चलती हैं। मॉर्निंग में 8:40 से राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चलती है और इसका आनंद आप भी लें और उनको भी इसमें सम्मिलित करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।